Assalamu alaikum. And the name of the topic which we discuss today is magnets and magnetism. And I am especially talking about medical physics students. So students, in this topic we just not study about magnets, but we also try to understand or to grasp the concept about magnetism. So what is the magnetism, how magnetism changes, and what are magnets and how magnets help us in our daily lives or are involved in our daily lives. So we also just go through the applications of the magnets. So topic which we study is magnets and magnetism. So sabse pehle jo hame yaad rakhna hai students, wo hame ye yaad rakhna hai ke sabse pehla jo hamare paas magnet कह लें कि जो डिस्कवर हुआ था वो कहलाता है लोडस्टोन। लोडस्टोन क्या था कि ये एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल था जो कि नेचुरली मैग्नेटाइज था। असल में ये जो कह लें कि लोडस्टोन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कह लें कि ग्रीक्स और एंशियंट चाइनीज जो हैं, ये उस दौर का कॉन्सेप्ट है। यानी इसको एंशियंट चाइनीज ने क्या किया था, इस स्टोन को डिस्कवर किया था। उन्होंने ये देखा कि भाई ये एक ऐसा स्टोन था जो क्या कर रहा था, मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इस स्टोन में ये एबिलिटी थी कि ये मेटल को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। अच्छा, उस टाइम पे ये कंसीडर किया जाने लगा कि ये कोई, मतलब कह लो कि इट इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ मैजिक, ये कोई मतलब ये किसी तरह का जादू है। बट इस तरह मतलब कह लें कि ये कोई जादू नहीं था। ऑब्वियसली देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट। सो द साइंटिस्ट स्टडीड द लोडस्टोन एंड देन रिवील अस द ट्रू कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली जो लोडस्टोन था, लोडस्टोन जो है उसको जब स्टडी किया गया, तो स्टडी करने के बाद पता लगा कि लोडस्टोन पजेस अ कॉन्सेप्ट और द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिज्म। लोडस्टोन में जो है वो मैग्नेटिज्म का फिनोमेना जो है वो मौजूद है। इसीलिए लोडस्टोन क्या कर रहा है, एक दूसरे मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो इट मीन्स लोडस्टोन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। लोडस्टोन मैग्नेटिक है हमारे पास, लोडस्टोन मैग्नेट है हमारे पास। सो मैग्नेट्स जो होते हैं, मैग्नेट्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो मैग्नेट्स जो है ना वो हमेशा चार मेटल्स के जो है ना सिर्फ फॉर्म होंगे। एंड मैग्नेट्स ऑल्सो अट्रैक्ट ओनली दोस फोर मेटल्स मेंशन ऑन दी स्क्रीन। नेम्स आर आयरन, निकिल, स्टील एंड कोबाल्ट। सो मैग्नेट्स आर जस्ट मेड फ्रॉम आयरन, स्टील, निकिल एंड कोबाल्ट। एंड the iron, steel, nickel and cobalt are the only four metals which can be attracted by a magnet. Except these four metals, no one is attracted towards the magnet. So when we talk about magnetism, so magnetism is the ability of a magnet to attract another magnetic material. देखिए हमारे पास जो है ना दो तरह के material होते हैं। एक होता है हमारे पास magnetic material जो कि magnet बना हुआ है, और एक होता है अनमैग्नेटिक मटेरियल। यानी यूं समझ लें कि अगर आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट की सिर्फ मेरे पास एक रॉड है तो वो एक अनमैग्नेटाइज मटेरियल है। लेकिन अगर वो मैग्नेट बना हुआ है, आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट की अगर जो रॉड है मेरे पास, अगर वो मैग्नेट बनी हुई है, इट मीन्स उस पर नॉर्थ और साउथ पोल आया हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल अपेयर हुआ हुआ है, तो फिर वो मैग्नेटिक मटेरियल है। सो एबिलिटी, मैग्नेट की एबिलिटी कि वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे, वो कहलाती है मैग्नेटिज्म। ये एबिलिटी या ये प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म कहलाती है। सो मैग्नेट्स जो हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आप लोगों को पता है कि देयर आर टू पोल्स एट ऑन द टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड द मैग्नेटिक फील्ड और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैग्नेटिज्म, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। सो when you just freely suspend a magnet, so magnet always rests in north south direction. yani agar aap ek magnet ko ek string se bandh kar freely hang karte hain, so magnet jo hai wo kya kar raha hoga, freely suspend hoga, so wo freely rotate kar raha hoga. but when the magnet comes to rest, jaise hi wo rest mein aayega, so it will always rest in north south direction. or in other words we can say that the magnet align itself with the magnetic field of the earth and align itself in north-south direction. So law of magnetism क्या है? Law of magnetism is simple
and it states that like poles always repel each other and unlike poles always attract each other. It means north-north pole always repel each other and north-south pole always attract each other. So magnets attract magnetic materials, and repulsion is the only test to determine if a given object is magnet or not. देखिए होता क्या है कि मैग्नेट जो है, अगर आपने पहचानना है कि मेरे पास एक रॉड है, ये रॉड मैग्नेट है या नहीं, सो आप सिंपली क्या करेंगे, इसे एक दूसरे मैग्नेट, आप इसे कह लें कि एक मटेरियल के करीब लेके जाएंगे या एक दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक एक दूसरे मैग्नेट के करीब लेके जाएंगे, और अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सो इट मींस कि आपकी जो रॉड है वो मैग्नेट है. क्यों? क्योंकि रिपल्जन के जरिए ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मैग्नेट है हमारी रॉड या नहीं. क्यों? क्योंकि देखिए मैग्नेट जो है ना, वो हमेशा क्या करता है, आयरन स्टील निकेल और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो अगर आयरन स्टील निकेल और कोबाल्ट के ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल नहीं भी हो तो वो कहलाएंगे अनमैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटेरियल, और मैग्नेट जो है वो आयरन स्टील निकेल और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई आइदर द रॉड इज मैग्नेटिक मटेरियल और आइदर द रॉड इज मैग्नेट और नॉट. सो मतलब कह लें कि हमारे लिए मुश्किल है. सो we just identify that the rod is either a magnet by using the property of repulsion. So jitna strongly ek material dusre material ko repel karega, so it means ke wo material bahut zyada strong magnet hai. So repulsion ke zariye hum identify karte hain ke hamare paas jo material hai wo magnet hai aur kitna strong magnet hai. सो रिपल्जन टेस्ट के जरिए हम कह लें कि इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं. सो जैसे कि अब आप ये चार्ट देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मेरे पास जो है बेसिकली एक फ्रीली सस्पेंड नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, यानी मैंने एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करा है और उसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, और मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा मेरे पास एक रॉड है, आयरन स्टील निकिल या कोबाल्ट की, इन चार में से किसी भी एक मटेरियल की रॉड है, एंड आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट आइदर द रॉड इज अ मैग्नेट और नॉट. सो हाउ कैन आई डू इट, मैं क्या करूंगा, जो नॉर्थ पोल है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का, उसके करीब इस रॉड को लेके जाऊंगा और मैं ये देखूंगा कि ये रॉड जो है और मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इस रॉड को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, या ना ही, या कोई कह लें कि कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं हो रही. तो अब हमारे पास तीन केसेस आ गए, यानी या रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, या नो मोशन. सो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि अगर आप अपने कह लें कि रॉड को, यानी अनमैग्नेटाइज मटेरियल यानी आयरन स्टील निकेल और कोबाल्ट में से किसी भी एक की रॉड को उस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब लेके जाते हैं और रिपल्जन अगर होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रॉड है वो एक मैग्नेट है, बिकॉज रिपल्जन इज द ओनली टेस्ट टू आइडेंटिफाई आइदर द मैग्नेटिक आइदर द मटेरियल इज मैग्नेट और नॉट. सेकेंड केस क्या है कि अगर अट्रैक्शन हो जाती है, सो इसका मतलब आपकी जो रॉड है, आप क्या करेंगे, आप अपनी रॉड का जो एंड है उसको घुमा के दूसरे एंड्स को क्या करेंगे, दूसरे एंड को नॉर्थ पोल के करीब लेके जाएंगे, और या आप ये देखेंगे कि अगर दूसरे एंड को भी नॉर्थ पोल ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रॉड है वो मैग्नेट नहीं है बल्कि मैग्नेटिक मटेरियल है. थर्ड केस क्या है कि अगर आप क्या करते हैं, अपनी रॉड को जो है मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब लेके जाते हैं और आप ये चीज देखते हैं कि कोई मोशन नहीं हो रहा, यानी ना ही अट्रैक्शन हो रही है और ना ही रिपल्जन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रॉड है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी वो आयरन स्टील निकेल और कोबाल्ट नहीं है, क्योंकि आयरन स्टील निकेल और कोबाल्ट के अलावा कोई भी मेटल आप ले लें तो मैग्नेट क्या करेगा, उसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा. मैग्नेट ओनली अट्रैक्ट्स आयरन स्टील निकेल एंड कोबाल्ट. सो यहाँ पर हमने दो चीजें याद रखनी है, या यूं कह लेंगे दो नई हमने टर्मिनोलॉजीज को समझना है, वो ये कि मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. सो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल जो कि मैग्नेटाइज होते हैं और मैग्नेट जिन्हें अट्रैक्ट करता है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चार है, आयरन स्टील निकेल कोबाल्ट. बट वेन वी टॉक अबाउट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, सो आयरन स्टील निकेल और कोबाल्ट के अलावा जितने भी मेटल्स हैं दे ऑल आर कंसीडर्ड एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बिकॉज दोस मेटल्स कैन नॉट बी मैग्नेटाइज और अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. आप ना तो उन मेटल्स को मैग्नेटाइज कर सकते हैं और ना ही मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा. जैसे वेन वी टॉक अबाउट कॉपर, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर को कभी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता और ना ही आप कॉपर को कभी क्या कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं.
इसी तरह वुड को आप कभी मैग्नेट नहीं बना सकते. सो कॉपर, वुड, एल्यूमिनियम, इन शॉर्ट ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, एंड आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ. सो अर्थ के मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो हमें जो सबसे पहली बात याद रखनी है वो ये कि अर्थ जो है ना ये एक ह्यूज मैग्नेट होता है. यानी यूं कह लें कि अर्थ जो है, अर्थ के अपने नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं और अर्थ के अराउंड अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है. और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना अर्थ के अराउंड, वो क्या होती है, वो लूप्स की फॉर्म में होती है. जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि इस तरीके के कंप्लीट लूप्स होते हैं, और ये जो आपके पास कंप्लीट लूप्स होते हैं, इन लूप्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं. सो मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्लोज लूप्स होते हैं, और इन कह लें कि इन क्लोज लूप्स में, या यूं कह लें कि ये जो लूप है, इस लूप में कह लें कि किसी भी पॉइंट पर आपकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट, या मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इस लूप पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करेंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी. आपके जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम डाइपोल फील्ड के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं. डाइपोल फील्ड का मतलब यह है कि सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में हम क्या करते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि अर्थ के अराउंड डाइपोल्स फील्ड की, यानी कह लेंगे मैग्नेटिक डाइपोल्स जो हैं वो क्या हुए हैं, क्रिएट हुए हैं. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप्स अराउंड द अर्थ. सो इट शोज दैट अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट बिकॉज अर्थ हैज इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल. तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास अर्थ के सेंटर से, अर्थ टिल्ट हुई हुई है और अर्थ के सेंटर से देखें आपके पास एक एक्सिस पास कर रहा है जिसे हम कहते हैं एम एम से शो कर रहे हैं. और ये जो एक्सिस है ना ये डाइपोल एक्सिस कहलाता है. देखिए होता क्या है कि जो मैग्नेट, जो बेसिकली कह लें कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं ना अर्थ के, वो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो कि आर से हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिग्री एंगल पर टिल्ट हुए हुए होते हैं अर्थ के. ये कह लें कि मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कह लें कि सर्टेन डिग्री, सर्टेन एंगल्स पर क्या हुए हुए होते हैं, टिल्ट हुए हुए होते हैं. और वो एंगल कितना है, वो है 11.5 डिग्री. यानी यूं कह लें कि आपका जो मैग्नेट है, या यूं कह लें कि मैग्नेट का जो डाइपोल एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइपोल एक्सिस है, या मैग्नेटिक डाइपोल का जो डाइपोल एक्सिस है जो कि एम एम है, वो क्या हुआ हुआ है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से 11.5 डिग्री एंगल पर टिल्ट हुआ हुआ है. सो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड, यानी कह लें कि देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, असल में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर कंसिस्ट होती है. ये जो मैंने कहा ना आपसे मैग्नेटिक डाइपोल, कि आपको ये फील्ड नजर आ रही है जो कि सर्किल्स, यानी कह लें कि कर्व्स, यानी क्लोज लूप्स की फॉर्म में है ये फील्ड. तो ये जो फील्ड है ना ये लाइन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहलाती है. और ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये हमेशा कह लें कि साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होती हैं, इमर्ज होती हैं और फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दोबारा क्या करती हैं, री इंटर करती हैं अर्थ के अंदर. यानी यूं कह लें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से री इंटर होती हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर से कह लें कि इमर्ज होती हैं. और आप यूं कह लें कि मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो अर्थ के, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो उसे हम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहेंगे, जबकि रियलिटी में वो क्या होगा, अर्थ के मैग्नेटिक, अर्थ मैग्नेटिक डाइपोल का साउथ पोल होगा. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग, कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है किसी भी लोकेशन पर ऑन द अर्थ सरफेस, वो हम डिटरमाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ टू एंगल्स. फर्स्ट जो होता है वो होता है फील्ड डिक्लाइनेशन. फील्ड डिक्लाइनेशन जो है वो एंगल होता है जिसे हम लेफ्ट और राइट जो है वो कहते हैं. यानी लेफ्ट और राइट जो एंगल है बिटवीन ज्योग्राफिक नॉर्थ, यानी जो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है और जो कह लें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फील्ड का, उसके दरमियान जो एंगल होता है वो कहलाता है फील्ड डिक्लाइनेशन. और जो आपके पास सेकेंड एंगल है वो है फील्ड इंक्लाइनेशन. फील्ड इंक्लाइनेशन जो है वो अप एंड डाउन, यानी एज वो एंगल जो हॉरिजॉन्टल प्लेन, अर्थ के हॉरिजॉन्टल प्लेन और अर्थ की जो फील्ड डायरेक्शन है उसके दरमियान में जो एंगल होता है वो कहलाता है फील्ड इंक्लाइनेशन. सो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड, यानी कह लें कि अर्थ की सरफेस पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, सो वी स्पेसिफाइड द डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ टू एंगल्स, फील्ड डिक्लाइनेशन एंगल एंड फील्ड इंक्लाइनेशन एंगल.
Now, another sensor, or in other words, we can say that another instrument exists which helps us to measure the magnitude of inclination angle of the earth or of the earth surface. So, वो instrument कहलाता है inclinometer. Inclinometer एक ऐसा sensor है जिससे हम क्या करते हैं कि जब earth के structure में deformation आती है earth की surface में, so वो deformation जो है उसकी वजह से कुछ inclination angle form होता है. तो उस inclination angle के magnitude को हम क्या करते हैं, measure करने के लिए inclinometer use करते हैं. अच्छा, ये आपके पास जो कह लें कि क्लाइनोमीटर, जिसे हम इंक्लाइनोमीटर भी कहते हैं, इसको हम यूज करते हैं कि स्लोप ग्रेडियंट मेजर करने के लिए ड्यूरिंग एक्टिविटीज लाइक टनलिंग, एक्सकेवेशन, डीवाटरिंग. असल में होता क्या है कि जब आप टनल्स बना रहे होते हैं या आप खुदाई कर रहे होते हैं, एक्सकेवेशन कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो अर्थ की ग्राउंड सरफेस है उसमें क्या होने लगता है, ग्राउंड सरफेस जो है उसमें स्लोप फॉर्म होने लगता है. तो वो जो स्लोप है वो स्लोप सर्टेन एंगल्स पर फॉर्म होता है. तो यूं कह लें कि अर्थ की सरफेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. तो जब स्ट्रक्चर चेंज होता है अर्थ की सरफेस का, तो आपके पास कोई ना कोई इंक्लिनेशन एंगल फॉर्म होता है. तो उस इंक्लिनेशन एंगल के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्लाइनोमीटर को यूज करते हैं. थर्ड थिंग, कि आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है इंक्लाइनोमीटर का, या यूं कह लें कि जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर होता है टिल्ट इंडिकेटर्स का, इंक्लाइनोमीटर को हम टिल्ट इंडिकेटर्स भी कहते हैं, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन फील्ड पे, कि आप किस फील्ड पर जो है, ये कह लें कि किस अर्थ की कौन किस सरफेस को आप क्या कर रहे हैं, किस सरफेस के मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्लिनेशन एंगल को मेजर कर रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं, अगर आप उसको वर्टिकली इंस्टॉल करते हैं टू मॉनिटर द कट स्लोप और एनी मूवमेंट इन द शोरिंग वॉल एंड एम्बैंकमेंट. इसी तरह अगर आपको क्या करना है, सॉइल के सेटलमेंट को अबव द स्पॉट ऑफ टनलिंग, अगर आपने क्या करना है, यानी टनलिंग के स्पॉट के अबव आप चाहते हैं कि सॉइल के, कह लें कि सेटलमेंट ऑफ सॉइल को मॉनिटर करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, अपने इंक्लाइनोमीटर को हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल करेंगे. अगर आप वर्टिकली इंस्टॉल करेंगे अपने इंक्लाइनोमीटर को, तो आप मॉनिटर कर सकेंगे कि कितना स्लोप जो है वो, कह लें कि, यानी यूँ कह लें कि आपकी जो अर्थ की सरफेस है वो, कह लें कि कितना उसमें स्लोप चेंज आया है, यानी स्लोप चेंज हुआ है अर्थ की सरफेस का. स्लोप कहलाता है स्टीपनेस कहलाता है स्लोप, यानी कि जो कहते हैं ना स्टीपनेस बेसिकली जो है स्लोप कहलाता है, जिसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, जो अर्थ की सरफेस में स्लोप चेंज आता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं आप अपने इंक्लाइनोमीटर को वर्टिकली इंस्टॉल करके. और अगर आप सेटलमेंट ऑफ सॉइल को मॉनिटर करना चाहते हैं अबव द स्पॉट ऑफ द टनल, तो फिर आप क्या करते हैं, अपने इंक्लाइनोमीटर को हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल करते हैं. दिखने में कुछ इस तरह का होता है इंक्लाइनोमीटर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिगर जो है उसमें इंक्लाइनोमीटर क्या कर रहा है, अर्थ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड्स बता रहा है आपको डिफरेंट एंगल्स पर. सेकंड, कह लें कि आप जो मैग्नेटिक फील्ड को, आपने कह लें कि जब नेविगेट करना होता है या ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड की आइडेंटिफाई करनी होती है, तो जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं वो कहलाता है कंपास. कंपास क्या करता है कि आपको जो है बेसिकली जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल जो है अर्थ का वो आइडेंटिफाई करवाता है आपको, नेविगेट करवाता है कि भाई, नेविगेट करता है, आपको बताता है कि अर्थ का नॉर्थ, साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट कहाँ है. सो कंपास जो है आप डायग्राम में देख रहे हैं कि उस पर एक रोज बना हुआ होता है इस तरीके का, और जो है चार डायरेक्शंस शो हो रही होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कंपास फेस पे. और होता क्या है कि जब आप कंपास को यूज करते हैं, यानी आपने क्या किया, आपने कंपास को प्लेस किया, तो ये जो रोज होता है, ये रोज क्या करता है, ये अपने आप को अलाइन करता है ज्योग्राफिक डायरेक्शंस की रिस्पेक्ट से. यानी अगर आपको नॉर्थ पोल को नेविगेट करना है अर्थ के, तो आपने क्या करा, कंपास को रखा, तो जो है ना कंपास क्या करेगा, कंपास का जो रोज है वो मूव करेगा, और कंपास का रोज मूव करेगा, या यूं कह लें कि जो कंपास नीडिल होती है, बास कंपासेस में ये कंपास नीडिल जो है ये परमानेंट मैग्नेट होती है, तो ये कंपास नीडल भी क्या करती है, मूव करके, क्योंकि कंपास नीडल जब परमानेंट मैग्नेट होगा तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो कंपास नीडल की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होकर अर्थ के नॉर्थ पोल को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है. सो नॉर्थ जो है कंपास का, वो क्या शो करता है, वो 0 डिग्री को शो करता है, और जैसे जैसे आपका एंगल क्लॉकवाइज इंक्रीज होगा, सो ईस्ट जो है वो क्या शो करेगा, 90 डिग्री को, साउथ 180 डिग्री को, और वेस्ट 270 डिग्री को. सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स की. देखिए हमारे पास बेसिकली जो है तीन टाइप्स है मैग्नेट की, टेम्पररी मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं.
अब ये डिपेंड करता है कि आपका सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, यानी आपने क्या किया है, आपने किस तरह से मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया है, मैग्नेट बनाया है। तो जो सोर्स आप यूज करके उसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं, अपने मटेरियल को मैग्नेट बना रहे हैं, तो उस सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म पे डिपेंड करता है कि भाई वो सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या थी। तो नेचर जो होगी सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म की, असल में वो बताएगी कि आपका मैग्नेट क्या बन रहा है, टेम्पररी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है या इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर हम बात करें टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट की, तो इससे पहले ना हमें दो चीज़ों को समझना होगा। देखिए, हमारे पास चार मटेरियल हैं जो कि मैग्नेटिक हैं, आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट। अब यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि इन चार मटेरियल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल में। देखें, हमारे पास जो हार्ड मटेरियल है, हम दो मटेरियल्स को मेनली स्टडी करते हैं, आयरन और स्टील, और आयरन स्टील को ही आपने याद रखना है। तो हमारे पास क्या होता है, आयरन जो होता है वो होता है सॉफ्ट मटेरियल, और जो स्टील है वो होता है हार्ड मटेरियल। तो आपने क्या फर्क याद रखना है, दोनों में फर्क किस तरह आप याद रखेंगे कि भाई जो आयरन है वो सॉफ्ट मटेरियल है। सॉफ्ट मटेरियल का मतलब है कि आयरन को मैग्नेट बनाना भी आसान है, और आयरन अगर मैग्नेट बन गया है तो उसे डीमैग्नेटाइज करना भी आसान है, यानी उसके मैग्नेटिज्म को खत्म करना भी आसान है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली एप्लीकेशंस, यानी कह लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, और जब हमें टेम्पररी मैग्नेट्स बनाने होते हैं तो उसमें हम आयरन को ही यूज करते हैं एज अ मटेरियल। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टील की, सो स्टील इज द हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल का मतलब है कि स्टील को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मैग्नेटाइज करना, और एक बार अगर स्टील मैग्नेटाइज हो गया तो वो फिर आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता। सो इट मींस स्टील इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, यानी मैग्नेटिज्म का इफेक्ट स्टील में प्रोड्यूस करवाना भी मुश्किल है, और मैग्नेटिज्म के इफेक्ट को खत्म करना भी मुश्किल है स्टील में। सो इसीलिए परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो हमेशा स्टील के बनते हैं। सो टेम्पररी मैग्नेट जो हैं वो सॉफ्ट मटेरियल के फॉर्म होते हैं। आप क्या करते हो, मैग्नेटिज्म उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हो, प्रोड्यूस करवाते हो इफ मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म जितना जल्दी प्रोड्यूस होता है उसमें, तो क्या होता है, खत्म भी हो जाता है उन मटेरियल्स के अंदर से आसानी से मैग्नेटिज्म। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को या ऐसे मैग्नेट्स को टेम्पररी मैग्नेट्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास मेनली आयरन है। आयरन जो है वो टेम्पररी मैग्नेट फॉर्म करता है। परमानेंट मैग्नेट जो है इनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मैग्नेटाइज करना, बट वंस दे मैग्नेटाइज दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म ईजिली। सो हमारे पास जो परमानेंट मैग्नेट है उनकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास एल्निको बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक तरह का एलॉय होता है एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का। इसी तरह फेराइट्स में आपके पास सेरेमिक मटेरियल जो मिक्स हुए हुए होते हैं, सही है, विद निकेल आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड को आपने क्या किया, निकेल के साथ मिक्स कर दिया, कोबाल्ट के साथ मिक्स कर दिया, तो जो मैग्नेट बनते हैं वो भी परमानेंट मैग्नेट होते हैं। या मेनली जो स्टील है, स्टील का मैग्नेट भी क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की अगर हम बात करें ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम क्या करते हैं कि हम जो है इलेक्ट्रिक करंट को मेटल कोर से पास करवाते हैं। अच्छा, जो मेटल कोर होता है, मेटल कोर हम आयरन का यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, और आयरन के मेटल कोर पे हमने कॉपर की वाइंडिंग की हुई होती है, और जब करंट पास करवाते हैं कॉपर की वाइंडिंग में से, तो कॉइल एनर्जाइज होती है, और एनर्जाइज होकर क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपका जो कह लेंगे कॉइल है वो एक तरह का मैग्नेट बन जाती है। और जब आप करंट को शट ऑफ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाती है, और वो आपके पास नॉर्मल एक कॉइल होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसे आप बाय रनिंग द करंट क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, जैसे कि आपके पास रेल रोड ट्रैक्स हो गए, मोटर इंजन्स हो गए, आपके पास MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स जो हैं, जो हॉस्पिटल्स में यूज होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं, क्रेन्स में यूज होते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि आपके पास स्क्रैप यार्ड जो हैं उसमें जो क्रेन्स होती हैं वो कह लें कि मेटल जंग या मेटल स्क्रैप को उठाने के लिए क्या करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करती हैं। सो अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म की। देखें, बेसिकली जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं, जैसे कि लोड स्टोन की अगर हम बात करें, तो ये सब मैग्नेटिक हैं। क्यों है मैग्नेटिक, क्योंकि भाई इन मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। होता क्या है कि आपके पास जो बेसिकली मटेरियल है, मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और इस रिवॉल्विंग को हम इस रिवॉल्यूशन कह लेंगे, जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। सो ये जो ऑर्बिटल मोशन होता है ना, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मोशन एटम को एटॉमिक मैग्नेट बना देता है। अगर हम मटेरियल की बात करें तो भाई आयरन, स्टील, निकेल या कोबाल्ट की अगर हम बात करें, तो इस मटेरियल में एक एटम तो होता नहीं है, यानी एक एटॉमिक मैग्नेट नहीं होता, बल्कि बिलियंस ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं।
और वो जो बिलियंस ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स है ना, वो ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज हुए हुए होते हैं, और उन ग्रुप्स ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स। अब होता क्या है कि ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, ये क्या हुए हुए होते हैं, ये कह लें कि अलाइन नहीं होते एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, यानी ये रैंडमली क्या हुए हुए होते हैं, ये मैग्नेटिक डोमेन्स रैंडमली अलाइन हुए हुए होते हैं, यानी इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट्स होती हैं, और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट्स होने की वजह से ये लोग, ये दोनों, यानी कह लें कि मैग्नेटिक डोमेन्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मटेरियल है वो अनमैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी मैग्नेट नहीं बनता बल्कि अनमैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो आप क्या करते हैं, अगर आप अपने अनमैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं वो कहलाता है इंडक्शन, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने मटेरियल के करीब एक परमानेंट मैग्नेट लाके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, आपके मटेरियल के साथ कॉन्टैक्ट में आती है, और जैसे ही कॉन्टैक्ट में आती है आपके मटेरियल के साथ, तो आपके मटेरियल के साथ कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता आपके मटेरियल के जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाकर उन मैग्नेटिक डोमेन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन कर देती है। एंड वंस द मैग्नेटिक डोमेन्स आर अलाइंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, देन द अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल बिकम्स मैग्नेटाइज्ड एंड बिकम अ मैग्नेट, और वो मैग्नेट बन जाता है, और उस पर नॉर्थ और साउथ पोल अपेयर हो जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पहली डायग्राम जो है उसमें क्या है आपके पास, देखें ये मैग्नेटिक डोमेन्स जो है वो क्या हुए हुए डी अलाइन हुए हुए, यानी आपके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन नहीं हुए हुए, या यूं कह लें कि जो आपके पास कह लें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम के अंदर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्पिन कर रहे हैं, लेकिन जब आपने क्या किया, एक परमानेंट मैग्नेट करीब ला के रखा अनमैग्नेटाइज मटेरियल के, तो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, आपके जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को क्या करती है, सेम कर देती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस उनकी डायरेक्शंस को सेम करती है, और इन अदर वर्ड्स हम यूं कह सकते हैं कि भाई आपके जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं उनमें वाइब्रेशन जब वो प्रोड्यूस करवाती है, यानी परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आपके मैग्नेटिक डोमेन्स के अंदर जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाती है, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाने का मतलब ये होता है कि वो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक मैग्नेट के अंदर उनके स्पिनिंग को या उनकी कह लें कि मोशन को सेम डायरेक्शन में अलाइन कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो सारे के सारे डोमेन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, और जैसे ही एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो आपके जो कह लें कि जो मटेरियल है उसके एक एंड पर नॉर्थ पोल और दूसरे एंड पर साउथ पोल आ जाता है, और वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। अब आप देखें, एक बार आपका मैग्नेट मैग्नेटाइज हो गया, अब आप अपने इस मैग्नेट को जो कि फिगर 3 में नजर आ रहा है, अगर आप इस मैग्नेट के 100 टुकड़े भी कर देंगे, तो 100 पीसेस करने का मतलब है कि आपने क्या किया, सिर्फ इसके 100 हिस्से बनाए, लेकिन आपने इसके मैग्नेटिक डोमेन्स की अलाइनमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया, तो इसका मतलब ये होगा कि हर हिस्सा जो है वो एक नया मैग्नेट बन जाएगा। सो अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी मैग्नेट्स बनाते हैं। बेसिकली दो बड़े इंपॉर्टेंट मैथड्स हैं मैग्नेट बनाने के। सबसे पहला मैथड है स्ट्रोकिंग मैथड। देखिए, स्ट्रोकिंग मैथड में क्या होता है कि मेरे पास जो है एक स्टील बार है, और मैंने क्या किया, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, फिगर नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे, कि एक स्टील बार के एंड पर मैंने क्या किया, साउथ पोल रखा एक एंड पर, और उसे मैं रब करता हुआ जो है वो दूसरे एंड पर ले गया, और दूसरे एंड पर ले जाने के बाद मैंने क्या किया, उसको लिफ्ट अप किया, और लिफ्ट अप करने के बाद दोबारा एक सर्किल की फॉर्म में घुमा के लाके, यानी एक क्लोज लूप की फॉर्म में घुमा के लाके दोबारा पहले एंड पे रखा, फिर दोबारा रब करता हुआ यानी स्ट्रोक करता हुआ लेकर गया दूसरे एंड पे, फिर दूसरे एंड से दोबारा लिफ्ट अप किया, एंड देन अगेन उसको घुमा के लाके पहले एंड पे रखा। सो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूसली स्ट्रोकिंग करता रहूंगा, उस वक्त तक स्ट्रोकिंग करूंगा जब तक ये मैग्नेट नहीं बन जाता। देखिए, इस स्ट्रोकिंग का पता है फायदा क्या हो रहा है, इस स्ट्रोकिंग का फायदा ये हो रहा है कि ये जो मैग्नेट को आप रब कर रहे हैं ना स्टील बार पे, तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्टील बार के मैग्नेटिक डोमेन्स के साथ कॉन्टेक्ट में आने के बाद क्या कर रही है, मैग्नेटिक डोमेन्स को वाइब्रेट करवा रही है, और वाइब्रेशन की वजह से मैग्नेटिक डोमेन्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन कर रही है। जो आप क्या करते हैं, दूसरे एंड पर ले जाके लिफ्ट अप कर रहे हैं ना मैग्नेट को, और दोबारा ला के फर्स्ट एंड पे रख रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप मैग्नेटिक डोमेन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, ताकि आपके इस स्टील बार पे नॉर्थ और साउथ पोल अपेयर हो जाए। अब आपने जो बात याद रखनी है वहां पे, वो ये है कि आपका जो एंड है, जैसे फर्ज करें साउथ जो है परमानेंट मैग्नेट का जो साउथ पोल है उसको आप रब कर रहे हैं, और वो एंड जहां से आपने अपने क्या किया परमानेंट मैग्नेट को लिफ्ट अप किया, उस एंड पर हमेशा परमानेंट मैग्नेट का जो पोल होगा
उसका अपोजिट पोल अपेयर होगा। जैसे कि आप साउथ पोल को रब कर रहे थे, तो आपने एंड टू से क्या किया, यानी जो दूसरा एंड है उससे लिफ्ट अप किया अपने मैग्नेट के साउथ पोल को। तो जब आपने ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखा, तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जब ये स्टील बार मैग्नेटाइज हो जाएगी, जब इसके डोमेन अलाइन हो जाएंगे और ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, तो वो जगह जहां से आपने अपने परमानेंट मैग्नेट को लिफ्ट अप किया था, उस जगह पर क्या आ गया, नॉर्थ पोल आ गया। क्यों? क्योंकि आपने कौन सा परमानेंट मैग्नेट का कौन सा पोल लिफ्ट अप किया था, साउथ पोल लिफ्ट अप किया था। अगर यही आप नॉर्थ पोल को रब करते हुए लिफ्ट अप करते, तो कह लें कि दूसरे एंड पर कौन सा पोल आता, साउथ पोल आ जाता। सो अपोजिट पोल अपेयर होता है हमेशा। सो आप ये देख सकते हैं कि जब भी आप दो मैग्नेट्स को यूज करेंगे, सो जो स्ट्रोकिंग पोल होगा मैग्नेट के अंदर has to be opposite and they stroke the steel bar in opposite direction. अगर आप दो magnets use करेंगे, जैसा कि figure B में show हो रहा है कि आपने एक magnet के बजाय दो magnets को use करके stroking कर रहे हैं, तो काम same ही हो रहा है। बस इसका फायदा ये होगा कि आपका magnet जो है वो जल्दी, यूं कह लें कि आपकी steel bar जो है वो जल्दी magnetize हो जाएगी। और stroking जो है वो हमेशा क्या करता है, weak magnets produce करता है। सेकेंड मेथड क्या है, इलेक्ट्रिकल मेथड। यानी इलेक्ट्रिकल मेथड जो है, इसमें हम क्या करते हैं, डीसी करंट को यूज करके अपने मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं। देखें, डीसी करंट यूज करने की जो मेन वजह है ना, वो ये है कि डीसी करंट डायरेक्ट करंट होता है। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर जो था मेरा इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें मैंने आपको लोगों को, स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था कि डीसी करंट जो है वो यूनिडायरेक्शनल या वन डायरेक्शनल करंट होता है, जिसकी वजह से इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती है, यूं कह लें कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो आपको मैग्नेट्स को, जब मैग्नेट बनाना है मटेरियल को, तो उसके लिए आपको करंट जो चाहिए वो स्ट्रेंथफुल करंट चाहिए, जो क्या कर सके, मैग्नेटिक डोमेन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन करवा सके। तो आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, आपने एक सोलेनोइड कॉइल बनाई, जो कि कॉपर की वाइंडिंग होती है, उसे बैटरी से कनेक्ट करा, और उस कॉपर की वाइंडिंग या उस सोलेनोइड कॉइल के बीच में आपने अपनी स्टील बार रख दी, जिसे आपने मैग्नेटाइज करना है। तो अब होगा क्या कि जब आपके सोलेनोइड से करंट पास होगा, तो ये जो करंट पास कर रहा है, ये करंट जो है जैसे जैसे पास करेगा, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड स्टील बार की मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब कॉन्टेक्ट में आएगी, तो उसके मैग्नेटिक डोमेन्स को वाइब्रेट करवा कर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन करवा देगी। और जैसे ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन करवाएगी, तो फ्लो ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड स्टील बार के मैग्नेटिक डोमेन्स के साथ कॉन्टेक्ट में आकर उनको अलाइन कर रही है, जिसकी वजह से आपका स्टील बार क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने बात ये याद रखनी है कि भाई कौन सा पोल, किस जगह पर नॉर्थ पोल आएगा, किस जगह पर साउथ पोल आएगा। तो आपने सिंपल ये बात याद रखनी है कि जहां से करंट बाहर निकल रहा है, उस हिस्से पर नॉर्थ पोल अपेयर होगा। यानी कि जो आपका लेफ्ट एंड साइड है, यानी लेफ्ट एंड है आपका, वहां से देखें करंट बाहर आ रहा है, तो यहाँ ये नॉर्थ पोल बनेगा, और जहां से करंट इन हो रहा है वो साउथ पोल बनेगा। तो ये यहाँ पे आपने जो मेन इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, वो ये है कि भाई इलेक्ट्रिकल मेथड जो है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है मैग्नेटाइज करने का, यानी मैग्नेट बनाने का, और ये बहुत जल्दी मैग्नेट बनाता है मटेरियल को, और ये जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाता है मटेरियल को। सो जो डायरेक्शन है, यानी मैंने आपको एक तो ट्रिक बताई गई, जहां से करंट बाहर निकलेगा वो हिस्सा जो है वो नॉर्थ पोल, उस हिस्से पर स्टील बार के नॉर्थ पोल अपीयर होगा। दूसरा कह लें कि इसको नॉर्थ और साउथ पोल आइडेंटिफाई करने का एक रूल होता है, जो कि राइट हैंड ग्रिप रूल कहलाता है, जिसमें आप क्या करते हैं, जो कर्ल फिंगर होती हैं आपके राइट हैंड की, उन कर्ल फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, तो जो थंब होता है वो क्या करता है, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को बताता है। जैसा कि इस फिगर में शो हो रहा है कि इसने क्या किया हुआ है, हैंड से जो है सोलेनोइड रॉड को होल्ड किया हुआ है, और करंट की डायरेक्शन में देखें इसकी कर्ल फिंगर है, तो जो थंब है वो जिस डायरेक्शन में भी थंब है वो क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल को शो कर रहा है। और अगर आप मेरी वाली ट्रिक को यूज करें, तो देखें जहां से करंट बाहर निकल रहा है वो हिस्सा नॉर्थ पोल है, और जहां से इन हो रहा है वो साउथ पोल है। अब बात करते हैं डीमैग्नेटाइज करने, यानी अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरा मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाए, सो उसका जो तरीका है, तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है हीटिंग। हीटिंग में आप क्या करते हैं, आप अपने मैग्नेट को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करके हीट करते हैं, जिससे होता क्या है कि मैग्नेटिक डोमेन्स जो है वो हीट अप होते हैं और वाइब्रेट होकर अपनी डायरेक्शन, जो कि वो अलाइन हुए हुए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उस अलाइनमेंट को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। एंड वंस द मैग्नेटिक डोमेन्स लूज देयर अलाइनमेंट, तो क्या होता है, वो क्या करते हैं, अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। सेकंड तरीका है हैमरिंग। हैमरिंग में आप क्या करते हैं, अपने परमानेंट मैग्नेट को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रख के उसके ऊपर तेजी से हैमरिंग करते हैं। जब आप हैमर के स्ट्रोक्स अप्लाई करते हैं अपने मैग्नेट की सरफेस पे, तो आपका मैग्नेट हीट अप होने लगता है, जिसकी वजह से आपके मैग्नेटिक डोमेन्स की अलाइनमेंट खराब हो जाती है और मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लूज कर। थर्ड मेथड जो है वो इलेक्ट्रिकल मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, एसी करंट यूज करते हैं। रिमेंबर वन थिंग,
when you are supposed to magnetize a magnet, then you use direct current for magnetization, and when you are supposed to demagnetize a magnet, then we use AC current, alternating current. So for magnetization, direct current, and for demagnetization, alternating current. अब alternating current use करने की पता है main वजह क्या है demagnetization के लिए, कि alternating current जो है वो अपनी direction को continuously change करता है, per seconds की respect से अपनी direction को change करता है. So ये जो changing direction है, ये असल में क्या करती है, magnetic domains की alignment को खराब कर देगी, जिसकी वजह से magnet अपना magnetism क्या करेगा, lose कर देगा. तो होता क्या है कि आपने क्या किया है, आपने एक solenoid coil बनाई हुई है, उस solenoid coil में आपका जो source है वो AC current होता है, और आप क्या करते हैं, अपनी solenoid coil के अंदर magnet को रखते हैं, और magnet को, यानी यूँ कह लेंगे, magnet को place करने के बाद अपनी solenoid coil को east west direction में align कर देते हैं. और जैसे ही आप क्या करते हैं, एसी सोर्स को ऑन करते हैं और करंट पास होना शुरू होता है इस सोलेनोइड कॉइल के अंदर से, जिसके दरमियान में मैग्नेट रखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, और ये आपका जो मैग्नेट है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस हुआ हुआ है. अब जैसे जैसे करंट पास कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, स्लोली अपने मैग्नेट को क्या करते हैं, विदड्रॉ करते हैं सोलेनोइड से, स्लोली स्लोली ड्रॉ आउट करना शुरू करते हैं, यानी बाहर निकालना शुरू करते हैं. और ये काम आप बहुत स्लोली स्लोली उस वक्त करते हैं, और जब ये पूरा का पूरा मैग्नेट आपका बाहर निकल जाता है, तो इसके जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी अलाइनमेंट को खराब कर चुके होते हैं, और मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लूज कर चुका होता है. सो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड, जैसा कि फिगर में आपको नजर आ रहा है, किसी भी मैग्नेट के अराउंड एक रीजन होता है. वो जो रीजन होता है ना मैग्नेट के अराउंड, उस रीजन के अंदर जब कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल इंटर होता है, तो वो अपने ऊपर क्या करता है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. और इस रीजन के आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है. तो आपने ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर कंसिस्ट होती है, और ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती या इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. और ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना, ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती है. तो एरो की डायरेक्शन आप देख सकते हैं. तो याद रखना है कि पोल्स के करीब देखें, नॉर्थ और साउथ पोल के करीब देखें, लाइंस एक दूसरे के करीब है. इसीलिए मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, या यूं कह लेंगे जो मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. और अगर आप साइड्स पर देखें, तो लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस है, जो ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है, या मैग्नेटिज्म जो है वो. सो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स जो है वो कह लें कि ये टू डायमेंशन नहीं होते, बल्कि वो थ्री डायमेंशन होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कंपास को प्लेस करते हैं मैग्नेट के अबव और ब्लो, तो कंपास क्या करता है, वो आपको क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ पोल जो है मैग्नेट के, उनकी डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर देगा. अच्छा, विदाउट अ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बगैर जो कंपास है, वो हमेशा अर्थ का नॉर्थ पोल आइडेंटिफाई करके देगा आपको, अर्थ का नॉर्थ पोल नेविगेट करेगा. यानी अगर मैग्नेट नहीं है और आप कंपास अपने हाथ में रखा हुआ है आपने, तो कंपास जब अपने आपको अलाइन करेगा, तो कंपास आपको शो कर रहा होगा या नेविगेट कर रहा होगा अर्थ का मैग्नेट, अर्थ का नॉर्थ पोल. अगर मैग्नेट होगा कंपास के आसपास रखा हुआ, तो फिर कंपास क्या करेगा, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा और अपने आपको अलाइन करेगा, और जो मैग्नेट होगा उसके नॉर्थ पोल को क्या करेगा, शो करेगा कंपास. सो याद रखना है, जैसे ये ए बी सी डी ई कंपासेस हैं, तो कंपासेस में जो एरो होता है, एरो हेड जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है, और जो टेल होती है इस एरो की वो साउथ पोल होता है. तो आप देख सकते हैं कि जो ए है, जब आपने उसको प्लेस किया, तो ए जो है वो क्या शो कर रहा है, फील्ड नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ जा रही है. बी जो है वो क्या शो कर रहा है, साउथ से इंटर हो रही है फील्ड. सी जो है वो भी क्या शो कर रहा है कि फील्ड, देखिए साउथ जो है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट के, कंपास के नॉर्थ पोल, कंपास नीडल के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है. इसी तरह अगर हम डी की बात करें, तो डी पे देखें कि नॉर्थ पोल जो है वो टेल को अट्रैक्ट कर रहा है, और टेल जो है वो कंपास की क्या शो करती है, साउथ पोल. और इसी तरह अगर हम ई पे रखें कंपास को, तो ई वाला जो कंपास है वो क्या शो कर रहा है, कि नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है कंपास नीडल के, और जो साउथ पोल है मैग्नेट का वो कंपास नीडल के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है. तो ये आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स हैं बिटवीन लाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स, वो कुछ इस तरीके के ड्रॉ होते हैं. देखें, लाइक पोल्स की अगर हम बात करें, तो लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर. उसकी मेन वजह ही यही है कि लाइक पोल्स की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उनकी डायरेक्शन देखें सेम है,
बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स के पोर्शन जो है, मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान में जो पोर्शन है उसमें आप देखें, मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान वाले पोर्शन में फील्ड की डायरेक्शन सेम है, और ये सेम डायरेक्शन ये शो कर रही है कि फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये जो एक्स लिखा हुआ है इस रीजन में जीरो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी के करेस्पॉन्ड, इसी के एडजेसेंट फिगर देखें, तो जो दो अनलाइक पोल्स हैं उन दोनों की फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है, जिसकी वजह से इन दोनों की फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर गई, और इन दोनों के दरमियान में देखें लाइंस एक दूसरे के करीब हैं बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है बिटवीन डिफरेंट पोल्स, बिटवीन अनलाइक पोल्स, इसीलिए दोनों अनलाइक पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो जब दो मैग्नेट साइड टू साइड प्लेस हों तो फील्ड इस तरीके से ड्रॉ होगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ की तरफ जाएगी। और अगर आपने क्या किया, दो मैग्नेट्स को साइड टू साइड प्लेस किया, लेकिन उन मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल एक तरफ है और दोनों साउथ पोल आपने एक तरफ अलाइन कर दिए, तो फील्ड कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। सो अब हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके पास दो फ्लैट मैग्नेटिक पोल्स हैं तो उनके दरमियान में जो फील्ड पैटर्न है वो कैसे ड्रॉ होगा। सिंपल है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी, सो एरो जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ होगा। तो आपने यहाँ पे ये बात याद रखना है कि बिटवीन द पोल्स आपके पास देखें लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल लाइंस शो कर रही हैं कि आपकी फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और स्ट्रांग है, और एजेस पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है, और एजेस से आगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होना शुरू हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, और थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, एंड आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू अलॉट, and you will grasp a good understanding about magnets and magnetism, inshallah. And thank you once again, and subscribe to my channel, and like my video, and also share my video, and kindly give comments to me so that I can improve myself. And if you guys have any queries, then ask me in a comment. And thank you once again. Assalamu alaikum. Allah hafiz.